थोड़ा सा नैप लेके प्लैटिनम मॉल जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम ना यहाँ पे हम लोग घूमे और मॉल बंद होने को आया, तो चलो पहले मॉल ही घूम लेते हैं। अरे यार ये क्या सही लग रहा है, ओनली 800 बाट, वाओ प्रिटी है, 9150 सेल। हे गाइस गुड इवनिंग, अभी हम निकल गए हैं थोड़ा सा नैप लेके, प्लैटिनम मॉल जा रहे हैं। सो यहाँ से 500 मीटर ही वॉकिंग डिस्टेंस, अगर आप कुछ टैक्सी या कुछ टुक टुक लेके जाओगे तो 800 मीटर है, तो वॉक करके ही जा सकते हैं, एकदम पास में ही है, प्रॉपर सिटी सेंटर में है। लास्ट टाइम भी प्लैटिनम मॉल गए थे, लेट गए थे, इस बार भी प्लैटिनम मॉल जा रहे हैं, लेट जा रहे हैं और 7 बजे बंद हो जाता है, और 8:00 बंद कर देते हैं, सुनते ही नहीं किसी, सुनते ही नहीं है वो लोग, और इतना बड़ा है ना, 1 घंटे में तो आप क्या ही घूम पाओगे। लेकिन हम लोग पिछले बार गए थे तो आइडिया है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि यहाँ क्या है। तो ये है यहाँ की सड़कें, बहुत सारे होटल्स है इधर, आप देख लो कितने बड़े बड़े होटल्स आपको दिख रहा, सब हाई राइज होटल्स, सारे हाई राइज होटल्स। ये वाली बिल्डिंग देखो भाई साहब कितनी बड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे, मतलब पूरा कमर्शियल एरिया है ना, पूरा सिटी सेंटर है प्रॉपर। देखो अभी अभी हम लोग निकले और कितनी बारिश हो चुकी है, पूरा हर जगह पर ऐसे बारिश का पानी जम गया है, थैंक गॉड अभी रुक गई है, नहीं तो फिर पूरा कचरा हो जाता। बसेज है, बसेज, बस से भी आप जा सकते हो, आपको हर समय बस अवेलेबल मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा है यहाँ का। ये एक और एक कुछ ट्रेड सेंटर है, एसी ट्रेड, कि अगर आपको शॉपिंग करनी है ना तो प्लैटिनम मॉल चले जाओ, चीप एंड बेस्ट शॉपिंग क्वालिटी, मतलब जिस प्राइस में दे रहे हैं क्वालिटी की बात करूँ तो काफी अच्छा क्वालिटी रहता है और हर तरीके का सामान मिलेगा। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में डाल दूंगा मैं, ये देखो हल्क बना हुआ है यहाँ पे मेरा फेवरेट, सही लग रहा है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भी कुछ है, प्रार्थना होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, फूड होलसेल, हल्क ज्यादा खाता है इसलिए फूड बना है। बिग सेल आ गए, बस 180 मीटर, 7-11 भी दिख रहा होगा, मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स भी है, कभी डोमिनोज नहीं देखा यहाँ पे, पता नहीं है या नहीं है, मैकडी आपको हर जगह मिलेगा, स्टारबक्स मैकडी, ये दो चीज हर जगह ही दिख रहा है। चलते चलते भी मार्केट है जहाँ से आप शॉप कर सकते हो, 120 baht × 2.5 कर लो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए, 320-330, और जहाँ भी जाओ आपको स्ट्रीट फूड तो हर जगह ही मिलेगा, बट थोड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है, और यहाँ के टुक टुक ऐसे होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्रिफर करो कि आप टैक्सी ले लो, क्योंकि टुक टुक वाले बहुत ज़्यादा लूटते हैं, और ये भी ना ये एक्चुअली टूरिस्टी थिंग्स मानते हैं, हम लोग तो ऑटो में घूमते हैं, बट बाहर के लोग ऑटो में तो घूमते नहीं है, तो उनको मज़ा आता है इसमें घूमने में। और यहाँ पे देखो फ्रूट्स के स्टॉल्स, हर जगह आपको तरह तरह का फ्रूट्स मिलेगा थाईलैंड में, यहाँ पे कुछ सेल, 50 बात ओनली, अच्छी अच्छी टी शर्ट्स है यार, बर्गर किंग भी है, डोमिनोज नहीं दिखता, डोमिनोज नहीं है शायद, आ गए ना, ऑलमोस्ट 70 मीटर यही है, आ गए हम लोग। और यहाँ पे आ रहे हो ना तो यहाँ पे स्मूदी जरूर ट्राई करना, इतना सही बनाते हैं ना ये लोग, और ऐसे ऐसे फ्रूट्स के आप नाम भी नहीं सुने होंगे, देख के पूछना पड़ता है ये कौन सा फ्रूट्स है, बहुत समझ भी नहीं आता है। और मैं बोल रही थी ना थाई टी जरूर दिखाऊंगी मैं, अभी तो है हम लोग यहाँ पे तो थाई टी भी आपको दिखाएंगे, मैं इसे पानी की बोलूं, आई थिंक हम मॉल घूम लेना चाहिए, ये तो खुला ही रहेगा। हाँ एक काम करते हैं, हम लोग पहले मॉल घूम लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ना यहाँ पे हम लोग घूमे और मॉल बंद होने को आया, तो चलो पहले मॉल ही घूम लेते हैं, ये तो ओपन रहेगा, ये तो ओपन रहेगा 10:00 तक, उसके भी बाद काफी कुछ चेंज भी हो गया, पहले यहाँ पे नए शॉप्स भी आ गए, हाँ नए शॉप्स आ गए, यहाँ पे फुल खाने की स्टॉल्स रहती थी। अच्छा आगे है,
देख रहे हो फ्रूट्स यहाँ पे बैठ के लोग खा रहे हैं। थोड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है क्योंकि पता नहीं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। कोशिश करो कि सी फूड खा लो, बहुत टेस्टी भी रहता है और वैरायटीज भी रहती है। ये रहा मॉल, अरे यार ये क्या सही लग रहा है। ओनली 800 बाट यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है कलेक्शन। और ये वाले 6 है, 600 नहीं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे तो यहाँ पे सारे शॉप्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो 250 बात। तो जो भी मैं दिखा रही हूँ यहाँ फ्लोर वाइज इन्फो भी है। ये देखो 250 बात में क्या ट्रेंडी शर्ट्स मिल रहे हैं, ब्लेजर्स भी हैं 390 में। ये अभी कलर वॉक काफी चल रहा है, फ्लोर वाइज इन्फो भी है आपको ये देख के जाना है। फ्लोर वाइज इनको भी शूज किधर है, शूज देख लेना था मुझे। ऐसे कुछ पर्टिकुलर दिया नहीं है, बस शॉप्स दिए वुमेन फैशन क्लॉथ्स। ठीक है लोग तो आके देख, इसमें ना टाइम निकाल के आना, हमारे पास टाइम एटलीस्ट 2-3 घंटे तो चाहिए। ये देखो क्या सही है ना 250 में। ये स्कर्ट अच्छा लग रहा है, यहाँ पे फुल सैंडल्स हील्स, ओ माय गॉड। देयर आर शूज, $491.50 सेल। मेरा साइज ही तो नहीं मिल पाया मुझे, $150 सेल। देखिए ये फोन यहाँ अंदर ऐसे भी है कंफर्टेबल, इसमें व्हाइट रहता तो मैंने लेती है, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ये हाँ व्हाइट कलर में चाहिए, ये व्हाइट है, ये भी सही लग रहा है ना। हाँ वो भी अच्छा लग रहा है, बहुत गंदा है, मैं साइज भी नहीं यहाँ है साइज नहीं, ये वाले है मुझे ये वाले। हाँ ये अच्छा लग रहा, ट्राई करके देखो। फुल व्हाइट में चाहिए, फुल व्हाइट तो वो था लेकिन उसमें साइज नहीं। ये भी अच्छा है ना ये सारा, ये सब हमारे उधर नहीं मिलता है इतना। 399 बात में अच्छा अच्छा चप्पल है, सही है ना। मुझे तो बस वाइट ही दिखता है, नहीं ये वाला शूज देखो 899 सेल, मल्टी कलर नहीं तब ये सारे टॉप्स देखो बहुत प्रिटी है ना। दिखाना है इसे 490 बाट, शूज आई गेस ऊपर भी होंगे, हम लोग को ऊपर देखना चाहिए। हाँ चल यहाँ से चलते इधर इधर, ये वाला देखो। ओके वाओ प्रिटी है, प्रिटी है। हाउ मच 390 बाट, दिस वन 200 नाइस भाई, ये एक और साइज बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे हो कलेक्शन, देख रहे हो क्या सही कलेक्शन है, मतलब 400 and 450 ऐसा आपको कहाँ मिलेगा 450 में। यहाँ सब 20 बाट 100 बाट में मिल रहे हैं, यहाँ से बहुत लिया इयररिंग्स बैग्स, यहाँ पे ना बहुत सारे आपको फेक बैग्स मिलेंगे लेकिन आपको देख के लगेगा नहीं, अगर आप असली अगर आपके पास असली वाला है तो ही आप पहचान पाओगे। कितना प्राइस है इसका, 5900 बाट, 5900 आई थिंक वो फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी। यहाँ भी अच्छे अच्छे बट मुझे शूज चाहिए। ओके तो शूज देखते हैं हम लोग, पहले शूज देख लेते हैं। ऊपर चलते हैं ना हम लोग, इधर से अभी क्लोजिंग टाइम है तो लोग और जल्दी जल्दी
शॉप कर रहे हैं और एक दिन आएंगे पर हाँ, हाँ, पर वीडियो और इतने बगल में है तो हाँ, थोड़ा टाइम निकाल के आ जाएंगे। ये है मेरा फेवरेट शॉप, यहाँ पे कुछ भी ले लो 20 बार इतना सही मिलता है। मैं अभी तक यूज कर रही हूँ, कुछ भी डैमेज नहीं है, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये लिया है मैंने, ये तो शुरुआत है, खाता खुल गया है अभी, आप लोग देखिए। ये चाहिए था मुझे, अच्छा है, अच्छा प्यारा लग रहा है, ऐसे बहुत है ऊपर भी, ये वाला अच्छा लग रहा है, पिंक वाला बटरफ्लाई ब्लैक भी है उसमें, ये अच्छा लग रहा है, सनफ्लावर भी है, है ना, दोनों ले लेते हैं, बाद में आते हैं। और देख लो कितना कुछ है यहाँ, सब कुछ मिलेगा, सब 20 बैग हो गया, फिर आ जाएंगे, एक वीडियो बना के देंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल हम लोग बहुत जल्दबाजी में आने वाले हैं, कितना सही लग रहा है। हाँ, यहाँ भी हम लोग आए थे पिछले बार। हाँ, एक बैग का स्टोर है यहाँ पे, बहुत सही कलेक्शन रहता है, ऐसे हम लोग घूम लेते हैं एक बार तो देख लेते हैं, उसमें मिल जाएगा। सेल सेल सेल, अभी सब कोई बंद कर रहे हैं। 100 बात में इतने अच्छे अच्छे स्कर्ट्स, कोरियन स्कर्ट्स, लेफ्ट चाहिए रे 100 बात। ये क्राबी फुकेट चाहिए 100 बात। थोड़ा देख लेते हैं। ओह वाओ, ये देखो नाइट सूट का कलेक्शन, हाउ मच, 350, ओह नाइस, है ना, अच्छा है, 700 चेंज में, और क्वालिटी काफी सही है। फिर आ जाएंगे हम लोग एक दिन, हाँ प्रॉपर इसका एक वीडियो बनाएंगे और शॉपिंग भी, बहुत सारी शॉपिंग भी कर लेंगे। ये अच्छा लग रहा है ना, यही वो शर्ट दुकान है, हाँ ये वही वाला शॉप है, यहाँ से हम लोगों ने लिया था लास्ट टाइम टी शर्ट, आएंगे फिर से। चलो मुझे चाहिए शूज, अरे वाओ, मतलब आप एक बार इस फॉर्म में, ये बैग्स का स्टोर है जो खोज रहे थे, नहीं ये वाला नहीं है, वो उसका कलेक्शन ही अलग था, वो कुछ ब्रांडेड यहाँ लोकल ब्रांड का, ये भी वाला, ओ ये वाला कितना अभी ट्रेंड में है ना, ये निखिल ने पहना था मुंबई का निखिल। हाउ मच फॉर दिस, 490 फॉर द सेट, बहुत अच्छा है। ओके, एनी अदर कलर, ये कलर नहीं यार, okay. वाइट ही अच्छा लगा, हाँ या फिर तुम पे ब्लैक भी अच्छा लगा, विल कम बैक, ले लो यार, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, ले लो, चाहिए एक बार व्हाइट पहन के दिखाना। नहीं ये साइज चेक करने के लिए पहन रहा हूँ, बड़ा लग रहा है, एम एम एम, हाँ अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, ये वाला, हाँ ये तो व्हाइट भी है, हाँ व्हाइट हार्ड है क्या, हाँ बहुत हार्ड है ये वाला, उधर देखिए उसका शूज कंफर्टेबल था, नहीं यार ये बहुत हार्ड है, नहीं चाहिए, चलो नीचे इससे कैसे करें बता, बैठने का भी नहीं हो जाएगा, ये सारे जो सैंडल्स देख रहे हैं 200, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है ना, हां पूरा जाके देखो, जा अंदर भी जाके देखते हैं, बट ये कलेक्शंस काफी अच्छा है, मुझे ये वाला अच्छा लगा, थैंक यू 400 बात, स्कर्ट देख लो, स्कर्ट चाहिए था, हां इनके पास है 100 बात में, काफी अच्छा, ये सारे टी शर्ट देखो क्या सही लग रहा है, कितने के है, प्राइस 590 तो लिखा है, यहाँ पे सनग्लासेस का सेल लगा है 200 बात है, इनके पास क्या कलेक्शन है,
मतलब अगर आप फोटोज या वीडियोस के लिए लेना चाहते हो तो बहुत सही है। हमें ये वाला अच्छा लगा था, कहाँ गया ये वाला अच्छा लगा था, लेकिन हम जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। नो शुगर नो वाटर, यहाँ के ऑरेंज जूस का टेस्ट ही अलग है यार। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, शुगर नहीं है बट बहुत मीठा है। अपना मैकडी जिंदाबाद। चलिए यहाँ का मैकडी एक्सप्लोर करते हैं। So we have ordered one small French fries and one pepper chicken burger. Total bill हुआ हमारा 90 baht, 49 plus 40, 105। यहाँ पे कितनी क्यूट ये मिल रहे हैं एयरपोर्ट कवर, ये देखो ये देखो ये कितना प्यारा है। नहीं चला। How much? 290 baht, bahut overpriced hai, but bahut zyada cute hai, ye sab nahi milta hai easily, amazon pe milega, hame lena hai mobile cover, yahan jab aap aate ho na to yahan pe first mein jo mobile cover hai, yahan pe bahut acha collection hai, first store mein milega, aise bahut sare, but inke paas bahut acha collection hai। Shanky ne liya ye wala, kafi acha lag raha hai मुझे, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा नहीं, ये वाला बट ये थोड़ा महंगा है। हाँ चलेगा। यहाँ के लोग ना ऐसे फैंस लेके घूमते हैं, उनके लिए ना बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पे 12 महीने ही बहुत ज्यादा। पिछले बार हम लोग आए थे सबको फैंस लेते हुए देखा था हमने, सबको ही फैंस लेके घूमते है यार। ये वाला 200 baht मतलब 450 rupees, और यहाँ पे ये बहुत कॉमन है, देख सकते हो यहाँ पे ईयर्स के लिए अलग जैसे बनाए हुए है। बहुत शौकीन है यार ये लोग फैशन में भी और ये सब मामले में। गो आ गए हम वापस प्लैटिनम मॉल से। बहुत ज्यादा वॉकिंग हो गई ना, बहुत ज्यादा वॉकिंग हो गई, और हम लोगों को ना अच्छी जगह अच्छी लोकेशन पे प्राइम लोकेशन पे होटल मिला है। हाँ। यहाँ से सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे, और ये एरिया भी देख रहे हो काफी सही है, और आगे कुछ बहुत शायद 5-star ही लग रहा है। चैट्रियम बिल्डिंग्स है यार, कितने बड़े बिल्डिंग्स है, ऐसे करके देखना पड़ रहा है। सब हाई राइज है आसपास। ये है हमारा वाला होटल, इसका एंट्रेंस यहाँ से है। पैर की तो बैंड बज गई है बहुत जोर। अभी हम निकलेंगे खाओसान रोड के लिए, थोड़ा पार्टी वाटी किया जाए, बैंकॉक आए तो पार्टी तो करेंगे। निकलेंगे थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर चेंज करके, वो तो रात भर ही खुला रहती है। हाँ रात भर ही, फिर 7-Eleven भी जाना है। वी आर रेडी फॉर द पार्टी, जा रहे खाओसान रोड, कैब बुक किया है, आ रहा है। शैंकी गए कुछ भूल गए लाने के लिए, एंड ये है मेरा आज का आउटफिट, अभी का आउटफिट। तो थक तो बहुत गए हैं, लेकिन बैंकॉक आए और पार्टी नहीं किया, खाओसान रोड नहीं गए तो कहाँ गए, इसीलिए देखते कैब आई है या नहीं, बाहर निकल के क्या भूल गए थे लाना, हम कुछ लाना भूल गए थे। आ गई कैब, अरे बाप रे इतनी बड़ी कैब। ये स्ट्रीट थोड़ी शांत है ना वहाँ से। हाँ, और खाओसान की थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं आपको। एक्चुअली खाओसान जो है वो मिल्ड राइस, खाओसान का मतलब जो है वो मिल्ड राइस होता है। तो पहले खाओसान रोड जो है यहाँ पे बहुत ही राइस की जो है वो मार्केट्स लगे रहते थे, ह्यूज मार्केट होता था, आई थिंक थाईलैंड का बिगेस्ट मार्केट होता था, इसलिए इसका नाम खाओसान रोड है। फिर बाद में यहाँ पे पब्स हो गए, ये बैंकॉक का मोस्ट हैपनिंग स्ट्रीट बन गया। तो ये है हिस्ट्री,
कैसे पास से अभी कैसा लग रहा है ये पूरा स्ट्रीट। और ये बैकपैकर्स का कैपिटल भी बोलते हैं, बैकपैकर्स का कैपिटल है। बहुत ही चीप में आपको एकोमोडेशन मिल जाता है। ये देखो यार डेकोर देख लो, इतना सही लग रहा है ये कंपेयर टू खाओसान। थोड़ा शांत है यहाँ पे, फुल फुट मसाज हो रहा है, सब आराम से चिल कर रहे हैं, फुट मसाज ले रहे हैं। फॉक्सवैगन की टू कन्वर्टेबल, ओह वाओ सही लग रहा है ना। हाँ। टू सीटर है? नहीं फोर सीटर है, कन्वर्टेबल है। ये देखो लाइट्स, ओ भाई साहब देखो लाइटिंग्स, देखो यार वाइब देखो जगह की, बहुत मस्त है। और दोनों साइड पर आपको बैठने के लिए पब्स, लोग चिल कर रहे हैं बेसिकली। हाँ। स्ट्रीट में यहाँ पर फुट मसाज हो रहा है, यहाँ पे पब है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, सही है। यहाँ पे शॉप्स भी है, नेल एक्सटेंशन। याद है हम लोगों ने बनाया था अपना पासपोर्ट कवर, यहीं पर हम लोगों ने अपना पासपोर्ट बनवाया था, पासपोर्ट कवर्स बनवाया था मतलब। ये देखो यार लाइटिंग्स देखो, निकल के बहुत जोर नहीं अभी ले लो ले लो। हाँ ये बिना ठंडा वाला। तो वहाँ से निकल के हम लोग खाने के लिए आ गए, और निकलते साथ हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल गया। रेस्टोरेंट का नाम है टिक्का एंड टॉक इंडियन फूड 2000। तो आपको रेट्स दिखा देते हैं, यहाँ पर रेट्स कैसे हैं। टिक्का एंड टॉक, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है, हाँ हम लोगों ने ऑर्डर किया एक वेज मील और एक नॉन वेज मील। हाँ ठीक, ये वेज मील है ना, हाँ साथ में रोटी, तो वेज मील है ये, मिनी वेज मील है, फिर भी काफ़ी क्वांटिटी अच्छा दिया है। एंड ये साथ में रोटी, इसका कुछ है आई थिंक 279 बार, तो 2.5 मल्टीप्लाई कर लो, तो रीजनेबल ही है ये। और काफ़ी भीड़ भी दिख रही है, मतलब इतनी रात हो गई है फिर भी काफ़ी भीड़ है। ये नॉन वेज मील, इसका भी क्वांटिटी अच्छा ही है, और साथ में ये नान, मेरा तंदूरी रोटी है, शैंकी का नान, ये मिनी है फिर भी क्वांटिटी ठीक है, मतलब अच्छा है सिंगल खाने के लिए, अकेले के लिए ठीक। चलो जल्दी से खाते हैं, एंड सुबह से ना ढंग से खाया भी नहीं है कुछ अच्छे से, तो टूट पड़ते हैं। बूंदी रायता था मेन्यू में, तो बूंदी रायता भी ले लिया, ठंडा भी रहेगा और खाने में अच्छा भी लगेगा। टाइम देख लो, रात के 10:36 हो रहे हैं और हम 7:11 आए हैं। हाँ हाँ ले लो, आपको भी दिखाते हैं 7:11 में एक्चुअली में मिलता क्या है और क्या क्या प्राइजेस है यहाँ के ग्रॉसरीज का। ये लेस का पैकेट है 45 बाट, लेस का ना ये वाला भी है, ये है 60 बाट। डिश वॉशिंग लिक्विड 47 बाट, आप इंटू 2.5 कर लो, एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि थाईलैंड में ग्रॉसरीज़ का क्या रेट है। ये फैब्रिक सॉफ्टनर जिससे हम कंफर्ट बोलते हैं ना इंडिया में, वो है 39 बाट। ये ऊपर भी तो है कंफर्ट, ये है 79 बाट का। सारे डिटर्जेंट है 159 बाट, ये सारे डिटर्जेंट 155 बाट का बड़ा पैकेट। अंडे का ये बड़ा पैकेट है, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पैक ऑफ 10 59 बाट। पैक ऑफ 4 भी है 30 बाट।
अरे यहाँ पर माइलो मिलता है, मैं भूल गई थी लास्ट टाइम आपको दिखाना। दिस इज़ का बड़ा बॉटल है 163 बात का। आई थिंक ये चीप है वहाँ के हिसाब से, लाइक इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ चीप है। और ये वाला है नेस्कैफे गोल्ड 169 बात। आई थिंक ये वाला चीप है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ये चीप है या नहीं। मुझे चीप लग रहा है, बट मुझे बड़े वाले बॉटल का प्राइस नहीं पता है। हम तो ऐसे ही बिग बास्केट से ऑर्डर मार देते हैं और प्राइस का ख्याल नहीं करते वो कई बार, है ना। रेड बुल नहीं दिख रहा है, जैसे आपको बताया रेड बुल जो है ना फेमस एनर्जी ड्रिंक, यहाँ पे ही बनी थी, यहाँ पे ही उसको क्रिएट किया गया था बैंकॉक में, बट वो दिखी नहीं मुझे। क्या आपको ना बहुत ऐसे छोटे 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 सैफे मिलेंगे, आप देख रहे हो गार्डनियर का ये सब इतना छोटा छोटा, एकदम ट्रैवल फ्रेंडली है बिल्कुल। मैं लास्ट टाइम लेके गई थी, उसमें से जो मुझे अच्छा लगा था वो यहाँ पे है नहीं। एक हेयर मास्क था। अरे ये देखो यार, यहाँ पे फिटनी का छोटा वाला फाउंडेशन 59 बात। तो वापस जा रहे थे, ये देखो कोई पैलेस लग रहा है, इतना सुंदर है। That's it for today's video guys. मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।